एक महंत था, उसका नाम एनेस्थेशियस था। उसके पास एक पवित्र किताब थी, एक अच्छे चरम पत्र और पुराने और नए टेस्टामेंट का मिला जुला रूप, अच्छी पुस्तक, अच्छे से बनाई गई किताब। महंत के लिए इसके बहुत मायने थे और हर दिन वो उसे अपनी प्रार्थना और अपने आध्यात्मिक जीवन के एक हिस्से के रूप में इस्तेमाल करता था। एक दिन उसके कमरे में एक भिक्षु आया और उसने उस सुंदर किताब को देखा और जब महंत वहां नहीं थे तब उसने वो किताब उठा ली और चला गया। और वो इस किताब को बेचना चाहता था, तो वो उस जगह गया जहां आप चीजों को गिरवी रख सकते हैं। तो वो वहां गया और उसने कहा, देखिए ये एक सुंदर किताब है, मैं इसे बेचना चाहता हूं। और उन दिनों उसने कहा, मैं इस किताब को 18 पैसे में बेचने को तैयार हूं। उस आदमी ने किताब देखी, उसने कहा, ठीक है ये एक अच्छी किताब है, लेकिन मैं इसे चेक करना चाहता हूं, आप कल आना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं 18 पैसे दे सकता हूं या नहीं। भिक्षु ने कहा, ठीक है। तो वो आदमी उस किताब को एनेस्थेशियस के पास ले गया और पूछा, महंत जी, कोई आदमी इस किताब को मेरे पास लेकर आया था, आपके हिसाब से मुझे इसकी क्या कीमत देनी चाहिए? वो 18 मांग रहा है। एनेस्थेशियस ने किताब को देखा, ये उसी की किताब थी। उसने कहा, 18 पैसे के लिए ये एक अच्छा सौदा है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। आदमी ने कहा, धन्यवाद महंत जी, और किताब लेकर चला गया। अगले दिन भिक्षु पैसे लेने आया तो दुकानदार ने कहा, हां मैं तुम्हें 18 देने को तैयार हूं, मैंने असल में महंत एनेस्थेशियस से सलाह ली है और उन्होंने मुझे बताया कि मैं 18 दे सकता हूं। भिक्षु स्तब्ध हो गया, क्या आपने महंत एनेस्थेशियस से पूछा? हां उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने बस इतना कहा कि यह अच्छी किताब है, मैं 18 दे सकता हूं, कुछ और नहीं कहा। तब भिक्षु ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ये किताब बेचना चाहूंगा, इसे मुझे वापस दे दो। उसने किताब ले ली और महंत के पास वापस गया और कहा, मैं ये किताब ले गया था और हालांकि ये आपके पास आई पर आपने कुछ भी नहीं कहा, आप उसे बस अपने पास रख सकते थे, ये आपकी ही है। महंत ने कहा, चिंता मत करो मेरे पुत्र, तुम्हारे लिए ये मेरा उपहार है, तुम इसे ले जाओ, ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा इसकी एक और प्रति हासिल कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत कीमती है, तुम उसे ले लो। अब भिक्षु फूट फूट कर रो पड़ा और वो उनके साथ पूरे जीवन भर रहा और उनकी सेवा की। Why I'm saying this is, this will come to you only when you know you could die today. मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये समझ आपके पास सिर्फ तभी आएगी जब आप जानते हैं कि आप आज मर सकते हैं। आप आज मर सकते हैं या आप कल मर सकते हैं, तब आप हर चीज के साथ संघर्ष और सौदेबाजी नहीं करेंगे, तब आप चीजों को जाने देने को तैयार रहते हैं। जब आप मानते हैं कि आप यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले हैं, तो आप इन चीजों को जमा करते जाते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हैं। इस वजह से लोग, आपके पास 3 जीवन काल के लिए पर्याप्त कपड़े हैं, 6 जीवन काल के लिए पर्याप्त जूते हैं, हाँ कैसा नहीं है? तो आपने तय कर लिया है कि इन जूतों को पहनने के लिए आप कम से कम 6 बार वापस आने वाले हैं। कम से कम जूतों को बेकार नहीं जाना चाहिए, है ना? ज्यादातर लोग सोचते हैं, आमतौर पर दुनिया में लोग मानते हैं कि अगर वो अपनी नींद में मर जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। कितनी भयानक इच्छा! आप अचेतन स्थिति में मरना चाहते हैं? चूंकि आप इतने डरे हुए हैं, आपको लगता है कि नींद में मरना जागते हुए मरने से बेहतर है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से सचेतन होकर मरें। कैसे मरना है इसकी पूरी प्रक्रिया, इसके पीछे एक पूरी कला और विज्ञान है कि कैसे मरना है, आपको कौन सी स्थितियां बनानी चाहिए ताकि आप ठीक से मरें। देखिए, भारत में इसका चलन था, लोगों के लिए यह अकल्पनीय हो सकता है, जब किसी आदमी को मरना होता था तो वो अपने रिश्तेदारों के बीच नहीं होना चाहता था, वो अपने बच्चों या पत्नी या पति या किसी के बीच नहीं होना चाहता था, वो किसी विचित्र जगह चले जाएंगे जिसे शुभ या पवित्र माना जाता है और वो वहां मरते हैं।
लोग बस मरने के लिए काशी चले जाते थे, आप ये जानते हैं, लोग बस मरने के लिए काशी जाते थे, आज भी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जागरूकता में मरें, भावनाओं में नहीं। इस पार गमन का आखिरी पल कई चीजें तय करता है। इस अंतिम पल में हर चीज जो आपने जमा की हुई है उसकी गांठों को खोलना बहुत आसान होता है। ध्यान मृत्यु की तरह होता है, कृपया गौर करें। अगर आप वाकई ध्यानमय हो जाते हैं तो वो लगभग मृत्यु जैसा होता है। हर चीज जिसे आप मैं कहते हैं वो ध्यान में मर जाएगी। आपका व्यक्तित्व, आपकी बटोरी हुई हर चीज बस बिखर जाती है। तो उन पलों में बंधनों को खोलना आसान होता है, ध्यान इसीलिए है। तो अगर आपने ध्यान नहीं किया तो कम से कम मृत्यु का, कम से कम जो स्वाभाविक प्रक्रिया आपको प्रदान की गई है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है ना। जो इंसान ध्यान करता है वो अपने जीवन के हर पल में सचेतन रूप से मरने को तैयार है, इसीलिए वो ध्यान में जाता है, ताकि वो अपने अस्तित्व की नश्वरता के प्रति लगातार जागरूक रहे, ताकि वो अहंकारी और मूर्ख नहीं बने। अगर आप जानते हैं कि आप कल मर जाएंगे तो अचानक आप देखेंगे कि आप में कोई गुस्सा, कोई पछतावा नहीं होगा, आप में कोई घृणा या किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं होगी, आप बहुत प्रेममय और अच्छे बन जाएंगे। आप बन जाएंगे। और आपसे किसने कह दिया कि आप कल नहीं मरेंगे? आपको किसने गारंटी दी कि आप कल नहीं मरेंगे? हाँ, क्या किसी ने आपको गारंटी कार्ड दिया है कि आप कल नहीं मरेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है, है ना। एक बुद्धिमान प्राणी इस जागरूकता के साथ जिएगा कि ये आज ही हो सकता है, कल क्यों, ये आज हो सकता है। और जब हम इस जागरूकता के साथ जीते हैं तो आप जीवन को पूरी तरह पूर्णतः जिएंगे। जिसे आप जीवन कहते हैं वो बस एक छोटी सी घटना है। एक बार जब आप इस बारे में लगातार जागरूक रहते हैं तो आप जीवंत हो उठेंगे। जब आप यहां ये सोचकर रहते हैं कि आप अमर और शाश्वत हैं, तब आप एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीते हैं, क्योंकि आप चीजें हमेशा कल कर सकते हैं, पता है। शांभवी कब करेंगे? कल। जब लोग मृत्यु के बारे में लगातार जागरूक रहते हैं तो लोग ध्यानमय हो जाते हैं। वो सबसे कम प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि चेतना का मतलब आप जीवन की प्रकृति के बारे में जागरूक हैं। जब आप जीवन की प्रकृति के बारे में जागरूक हों, तब आप लगातार मृत्यु के बारे में जागरूक रहते हैं। तो मृत्यु का पल एक जबरदस्त संभावना है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अच्छे से जिएं, बस अच्छे से मरने का लक्ष्य ना रखें। आप अच्छे से जीना इसीलिए सीखते हैं क्योंकि अगर ये आपका आखिरी जीवन है तो आपको अच्छे से जीना ही चाहिए। अगर आप 100 बार फिर से वापस आने वाले हैं तो आप बेवकूफी का जीवन जी सकते हैं। अब जब आपने तय कर लिया है कि ये आपका आखिरी जीवन है तो बेहतर होगा कि आप अच्छे से जिएं, है ना। आखिरी दौड़, आखिरी चरण सबसे अच्छा चरण होना चाहिए, है ना।